महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के खटीकवाड़ा क्षेत्र में स्थित ब्रह्मेश्वर महादेव 84 महादेवों में 65वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय जब आसुरी शक्तियां प्रबल हो रही थी, तब उनका नेतृत्व करने वाला पुलोमा नामक दैत्य अपने पराक्रम से इंद्र सहित अनेक देवताओं को हराकर विष्णु लोक पहुंचा, किंतु विष्णु को सोया हुआ देखकर वह प्रतीक्षा करने लगा। इस बीच ब्रह्म कमल पर स्थित ब्रह्मा ने पुलोमा को देख लिया तथा विष्णु जी के जागने पर उन्हें पुलोमा के आने का कारण भी बतला दिया। पुलोमा के आतंक से भयभीत विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम अभी महाकाल वन स्थित 7 कल्प से पूर्व उत्पन्न शिवलिंग की आराधना कर उनसे अस्त्र शस्त्र युक्त दिव्य जल यहाँ तुरंत लाओ, ताकि उस जल को पुलोमा और उनकी सेना पर छिड़क कर पराजित किया जा सके। ब्रह्मा जी ने विष्णु के आग्रह पर अवंतिकापुरी में आकर इस तेजोमय शिवलिंग की उपासना की तथा वह जल प्राप्त कर विष्णु जी के संकट को दूर किया। ब्रह्मा जी द्वारा आराध्य इस शिवलिंग को तभी से ब्रह्मेश्वर कहा जाने लगा। इसके दर्शन पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पंडित मनमोहन अग्निहोत्री। इस महादेव के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी दीजिए थोड़ा। इस इतिहास के बारे में यह है कि 84 महादेव में 65 नंबर ब्रह्मेश्वर महादेव का जो स्थान है, यहाँ भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने में एक गुरु नामक राक्षस भगवान विष्णु की तपस्या में कुछ विघ्न पैदा करने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी ने ध्यान करा कि विष्णु भगवान नारायण की सेवा में ये असुर कुछ न कुछ विरोध या अवरोध करेगा। उस बीच में भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि यहाँ से उत्तर दिशा में धनु सहस्त्रकेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ से जल लेकर आओ और इस राक्षस में छीट दो, तो राक्षस मर जाएगा। जब से ये ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। यहाँ कोई विशेष दिन पूजा होती है? विशेष पूजा में यहाँ पे पंचामृत से और गन्ने के रस से और बाकी दोष निवारण का भी पूजन होता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।